हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एपी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एपी। अब इसमें हम कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एपी 3, 4, 3, 14, 25, 36 विल बी 99 मोर देन ऑफ इट्स 25th टर्म। तो यहाँ पर हमें एक एपी दिया है और इस एपी में हमें फाइंड करना है वो टर्म जो इसकी 25th टर्म से 99 ज़्यादा हो। सो हियर ए विल बी 3, डी विल बी 14 - 3, दैट इज 11। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टर्म जो हमें फाइंड करनी है वो इस एपी की 25th टर्म से 99 मोर है, यानी ज़्यादा है। जब भी ज़्यादा होता है तो हम वहाँ पर प्लस कर देते हैं। सो इफ वी पुट द फॉर्मूला ऑफ एन हियर, इट विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 24d। ए 25 की जगह पर हमने ए प्लस 24d लिखा है, प्लस 99। हियर ए एंड ए गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर, देन एन माइनस वन, द डी, द वैल्यू ऑफ डी विल बी 11। हियर 24 × 11 प्लस 99। यहाँ पर ये जो 11 है इसे हम डिवाइड कर देंगे, देन इट विल बी एन माइनस वन 24 × 11 प्लस, ये जो 99 है हम इसे 11 × 9 लिख सकते हैं, देन इट विल बी 11 × 9 डिवाइड बाय 11। जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है दोनों टर्म के पास 11 है, तो हम यहाँ पे से 11 कॉमन ले लेंगे, देन इट विल बी एन माइनस वन, 11 यहाँ पर कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा 24 प्लस 9 एंड डिवाइड बाय 11। 11 एंड 11 गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर, देन एन विल बी 24 प्लस 9, दैट कम्स आउट टू बी 33, एंड दिस माइनस, जब ये माइनस वन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन एन विल बी 34। सो द 34 टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 99 मोर देन द A25। आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उस रीड करने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ ऐसे कुछ क्वेश्चंस और अपन करेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विल बी डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18। यहाँ पर हमें एक एपी फाइंड करना है जहाँ पर हमें गिवन है, दैट इज ए फोर इज इक्वल टू 18। ए फोर की वैल्यू यहाँ पर हमें 18 दी है, एंड द डिफरेंस ऑफ 9th एंड 15th टर्म, यहाँ पर हमें ए 9 और ए 15th, 9th और 15th टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें दिया है यहाँ पर 30। वो हमें दिया है यहाँ पर 30। सो यहाँ पर जब ये ए फोर है तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस 3d के, इट मीन्स ए प्लस 3d विल बी इक्वल टू 18, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड हियर ए 9 माइनस ए 15 इज 13, ए 9 माइनस ए 50 विल बी 30। सो यहाँ पर हम इसे ए 15 माइनस ए 9 करेंगे, कैसे, यहाँ पर ए फोर, यहाँ पर इसे हम माइनस करेंगे, दैट इज ए 9 माइनस ए प्लस 14d, एंड ए 9 की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस 8d, दैट इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 8d माइनस ए, प्लस माइनस गेट माइनस, एंड दैट इज माइनस 14d इज इक्वल टू 30। ए एंड ए गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर, हियर इज अ
एट डी माइनस फोर्टीन डी विल बी इक्वल टू 30. एट डी माइनस फोर्टीन डी इट बिकम्स माइनस सिक्स डी इक्वल टू 30. हियर माइनस सिक्स इज इन द मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, देन डी विल बी 30 अपॉन माइनस सिक्स, इट गेट बी कैंसल्ड बाय 5, 6 वन जा 6, 6 फाइव जा 30, देन डी विल बी माइनस 5. यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू माइनस 5 आ गई है. अब इस डी की वैल्यू को हम जब हमारी इक्वेशन नंबर पुट 1 में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज पुट दिस वैल्यू टू इक्वेशन 1, देन ए प्लस 3d विल बी इक्वल टू 18. डी आया हमारा माइनस 5, तो ए प्लस 3 इंटू में माइनस 5 विल बी इक्वल टू 18, एंड ए प्लस माइनस गेट माइनस 3 फाइव जा 15 इज इक्वल टू 18. यहाँ पर माइनस 15 उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, देन इट बिकम्स ए इक्वल टू 18 प्लस 15. 18 प्लस 15 आपका हो जाएगा 33, देन ए बिकम्स 33. अब हमें इसकी फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी है, देन ए विल बी 33, ए टू विल बी ए प्लस डी, दैट इज 33 प्लस माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी 28, एंड द थर्ड टर्म विल बी ए टू प्लस डी, दैट बिकम्स हमारी ए टू की वैल्यू 28 आई थी, 28 माइनस प्लस ब्रैकेट में माइनस 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 28 माइनस 5 दैट कम्स आउट टू बी 23. सो दैट इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. अभी हम और भी क्वेश्चन इसी तरीके से और क्वेश्चन हम देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now we will going towards our third question. The 19th term of an AP is equal to 3 times of the 6th term. यहाँ पर भी हमें AP नहीं दिया है, उन्होंने एक कंडीशन दी है कि जो 19th term है किसी भी AP की वो 3 times है उसकी 6th term के, that is 3 time of 6th term. If its 9th term is 19 एंड द सेकेंड कंडीशन हमें दी है, दैट इज ए नाइन विल बी इक्वल टू 19, देन फाइंड द ए पी. यहाँ पर हमें ए पी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 18 डी इक्वल टू 3 ब्रैकेट में ए प्लस 5 डी. सो यहाँ पर एक इक्वेशन आपकी इससे बनेगी, एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी ए प्लस 8d इक्वल टू 19. इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पर a प्लस 18d एज इट इज, जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5 थ्री जा 15d. अब हम इन दोनों वैल्यूज को भी उधर ले आ सकते हैं या इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आ सकते हैं. अब हम इन दोनों वैल्यू को उधर ले जाते हैं, देन 3a माइनस a प्लस 15d माइनस 18d विल इक्वल टू 0. सो 3a माइनस a विल बिकम्स 2a एंड 15d माइनस 18d विल इक्वल टू माइनस 3d, दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर वापस से हम माइनस 3d को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 2a इक्वल टू 3d एंड the a will be 3 by 2d. यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई है. अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन a will be 3 by 2d प्लस 8d इक्वल टू 19.
ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर हमने ए की जगह पर 3/2d पुट कर दिया है। नाउ यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3d एंड इट बिकम्स 2 1 2 एंड 8 2 16d इक्वल टू 19। यहाँ पर 16 + 3 इट बिकम्स 19d इक्वल टू 19 × 2। यहाँ पर जो ये 2 डिवाइड में था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जा चुका है, यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज डी इक्वल टू 19 × 2/19। 19 एंड 19 गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर एंड डी विल बिकम्स 2। अगेन दिस वैल्यू ऑफ 2 वी विल पुट इन अ ए, दैट आर ए विल बी, दैट आर ए 3/2 × d, दैट इज 3/2 × 2, 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर एंड ए विल बी 3, ए विल बी 3। सो आर ए पी विल बी ए इज इक्वल टू 3, ए 2 इज इक्वल टू 3 + 2 दैट कम्स आउट टू बी 5, ए 3 दैट कम्स आउट टू बी 5 + 2 दैट कम्स आउट टू बी 7। सो आर ए पी विल बी 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट लेना तो अच्छा है, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला था आपको कि आप एक कॉपी और एक पेन साथ में लेकर बैठें, जहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करते आता हूँ आप भी खुद सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 30। हियर ए 5 + a 9 विल बी 30 एंड इट्स 25th टर्म। पहले हम इस पहली कंडीशन को लेकर हमारी इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज a प्लस 4d एंड a प्लस 8d will equal to 30. Here a plus a will becomes 2a, 4d plus 8d becomes 12d equal to 30. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू यहाँ पर 2 से डिविजिबल है तो हम तीनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज a प्लस 6d इक्वल टू 15, दैट कम्स आउट अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ दैट इज गिवन दैट 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। यहाँ पर अगेन जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कि 25th टर्म जो है a 25 विल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, दैट इज 3 × 8। सो a 25 विल बी a प्लस 24d एंड 3 ब्रैकेट में a प्लस 8d विल बिकम्स a प्लस 7d। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 24d इज इक्वल टू 3 × a, इट बिकम्स 3a एंड 3 × 7 इट बिकम्स 21d। अगेन हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे, देन इट बिकम्स a माइनस 3a प्लस 24d माइनस 21d दैट कम्स आउट टू बी 0। a माइनस 3a यहाँ पर माइनस 2a हो जाएगा एंड 24 माइनस 21 दैट बिकम्स 3d प्लस 3d इक्वल टू 0। अगेन माइनस 2a यहाँ पर जो 3d है वो प्लस का है, हम उसे उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इट बिकम्स माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3d। माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर एंड हियर a विल बी 3/2d। नाउ इस a की वैल्यू को हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन
सॉरी इक्वेशन वन हमारी है a प्लस सिक्स डी इक्वल टू 15, ए है हमारे पास 3/2d प्लस 6d इक्वल टू 15, देन इट कम्स आउट टू बी 3d प्लस 12d इक्वल टू 30, बिकॉज ये दो का यहाँ पे एलसीएम होगा तो 12d आ जाएगा एंड जो 2 डिवाइड में रहेगा वो 15 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, देन 15 इंटू 2 गेट्स 30। यहाँ पर 3d प्लस 12d विल बिकम्स 15d इक्वल टू 30 एंड d बिकम्स 30/15 दैट कम्स आउट टू बी 2। अगेन जब हम इसकी वैल्यू a में पुट करेंगे दैट इज a इक्वल टू 3/2d देन a इक्वल टू 3/2 इंटू d विल बी 2, 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड एंड a विल बी 3। सो हियर d वाज 2 एंड a इज इक्वल टू 3, सो सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d दैट इज कम्स टू 2 प्लस 3 5, a 3 इज इक्वल टू a 2 प्लस d दैट इज 5 प्लस 2 7 एंड सो ऑन, सो RAP विल बी 3 5 7 एंड सो ऑन। जस्ट लाइक पुराने जो सभी क्वेश्चन कहा था वैसे ही कुछ क्वेश्चन है ये भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज 1/9, हियर ए सेवन दिया है कि हमारे पास 1/9 है एंड नाइन्थ टर्म विल बी 1/7, ए नाइन विल बी 1/7, देन वी हैव टू फाइंड ए 63। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज दी है जो हमें फाइंड करना है, ए सेवन एंड ए नाइन हमें दिया हुआ है और हमें ए 63 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए सेवन इज 1/9 है, देन इट विल बी ए प्लस 6d इक्वल टू 1/9, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, एंड ए नाइन इज इक्वल टू 1/7 दैट इज ए प्लस 8d विल बी 1/7, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, देन इट विल बी ए प्लस 6d इक्वल टू 1/9 एंड a प्लस 8d विल बी इक्वल टू 1/7। यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे देन a एन एंड गेट कैंसल बाय ईच अदर एंड 6 एंड 8 माइनस होंगे तो माइनस 2d बचेगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/9 माइनस 1/7, तो इट बिकम्स माइनस 2d इक्वल टू 9 7 सा यहाँ पर हो जाएगा 63 एंड जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 माइनस 9 आ जाएगा, 7 माइनस 9। सो हियर माइनस 2d विल बिकम्स माइनस 2 अपॉन 63, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। दिस -2 इज इन द मल्टीप्लाई हियर, जब वो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज d इक्वल टू -2, 63 इंटू -2, -2 एंड -2 गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर, सो d बिकम्स हियर 1/63। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। आर इक्वेशन 1 इज a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, सो वी पुट दिस वैल्यू दैट इज a प्लस 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9, हियर इट गेट कैंसल्ड बाय 3, दैट इज 3 टू जा 6 एंड 1, देन a प्लस
2/21 इज इक्वल टू 1/9, दिस वैल्यू इज इन हियर प्लस, इट कैन गेट माइनस, देन ए विल बी 1/9 माइनस 2/21. सो व्हेन वी टेक LCM of this, then it will be 189, and here 21 minus 9 to the 18. 21 में से जब 18 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 अपॉन में 189. This get can cancel by 3. 3 1 3, 3 6 18, and so our A also will becomes 1/63. Now we have to find A 63. इधर इसके बाद वाला पार्ट यहाँ पे होगा, that we have to find A 63 then it becomes A plus 62 D. Here the value of A will be 1/63 plus 62 D, then it will be 62 into 1/63. So it becomes, here LCM gets 63 and here 1 plus 62. 62 plus 1 becomes 63/63 and get cancelled by each other, and we get the answer, that is 1. So the 63rd term of this AP will be 1. Thank you for watching.